सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं एक बार फिर से सजन भाई के यहाँ से, और क्वालिटी आज आप देखेंगे बहुत ही शानदार भैंसों की। वीडियो में सामने आप देख भी पा रहे हैं बड़े बड़े ऑर्डर की भैंस, लंबी ऊंची झोटियाँ भाई के पास खड़ी हैं। थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देखें, सजन भाई के फार्म पे हैं। बताना चाहूँगा इनका जो फार्म है वो मदीना गाँव में है, रोहतक जिले में। रोहतक और जो इसारवाला रोड है मेन रोड, उस रोड के ऊपर मदीना गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है भाई के पास। भाई का जो फार्म है वो है ये मदीना से, कौन सा रोड है भाई? निडाणा रोड है भाई। मदीना से निडाणा रोड के ऊपर भाई का डेयरी फार्म है। कोई भी भाई गांव में आगे पूछ सकता है। वैसे टाइटल में हम कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे भाई के, तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैंसों के बारे में। अभी हम वैसे जो इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, शाम के टाइम वीडियो बना रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार इतनी शाम को, लगभग मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो पहली बार 4:30 बजे के आसपास भाई के यहाँ वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो लगभग या तो दोपहर को या दोपहर से पहले 10-11 बजे ही वीडियो बनाने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है भाई के पास। तो सजन भाई किधर से शुरू करेंगे? ये सब बिकी हुई है या बिकने वाली है? अच्छा, खोलो भाई, एक नंबर वाली भैंस। भाई कौन से ब्यात की है, कितना दूध है इसमें? तीसरे ब्यात की है सुरेंद्र भाई। तीसरे ब्यात की है, दूध कितना दे रही है? आज के 8% में 17 किलो तैयारी का भाई। 17 किलो तैयार है। क्या कीमत रखी है भाई इसकी? 1,32,000 रुपए 17 किलो दूध तैयार है। ये देखिए काफी बड़े अड्डर की, थोड़ा सा टेढ़ापन है, थन बराबर है, धार बराबर है, जो भाई ने कहा कोई घाटवाद ऊपर नीचे थन में नहीं है भाई। 20 प्लस की बोलते हैं लेकिन मिलती एक आध है। हाँ हाँ हाँ। 22 किलो की अगले बंदे ने बोली है। हाँ हाँ। पूरी उम्मीद पे आज 17 किलो बच्चे से अलग तैयारी का है। बच्चे से अलग है? बच्चे से अलग 17 किलो तैयारी पे। कितने दिन बाकी है ब्याई हुई? कितने दिन की है भाई? 17 दिन की होगी आज। मेले से लग चुकी है? मेले से लग चुकी है। 17 दिन की ब्याई हुई और देखिए शानदार बढ़िया झोटी दिखाई दे रही। तीसरे ब्यात की है भाई? तीसरे की है भाई। तीसरे ब्यात की 1,32,000 रुपए में बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई के पास। काफी बड़ा ऑर्डर है। अगर टेढ़ापन नहीं होता ऑर्डर में तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा जो है इसका ऑर्डर आपको दिखाई देता। साथ में कटड़ी है, वो भी काफी खूबसूरत और एक्टिव है। इससे आगे एक झोटी और, ये वाली भाई जी सुरेंद्र फर्स्ट बार की है। हाँ हाँ। 6 दांत हो चुकी है। हाँ हाँ। नीचे इसके भी कटड़ी है। ठीक है। दूध 14 किलो ही है भाई, मैं क्या जिसमें ज्यादा है। हाँ हाँ। कुछ कमी है मेरे में भी हो सकती है खिलाने के डाइट की भी। हाँ हाँ हाँ। 14 किलो दूध तैयार है, 6 दांत पहले ब्यात की। खोल के चलाना इसको। एक ये है कि पौसा जो अगले थनों का वो नरम है भाई। हाँ हाँ। आगे वाले थनों का पसमा वो थोड़ा ढीला ढीला रखती है, नरम रखती है। देखिए क्या कीमत रखी है भाई इसकी? इसकी सुरेंद्र कीमत देखेंगे, दूध और अगर 1-2 किलो बढ़ाते हैं तभी करेंगे भाई। अच्छा, रेट बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, नहीं तो रखने का विचार है, बेचने की सलाह का। मैं देखिए काफी बड़े ऑर्डर की है और आगे थड़ों का, आगे वाले थड़ों का जो पसमा ढीला थोड़ा बता रहे हैं भाई, और ऑर्डर काफी बड़ा है झोटी का। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। दो भैंसे हम देख चुके हैं, दोनों के पीछे कटड़ियां हैं। एक कटड़ी देखिए ये इधर और एक अंदर जा चुकी है, और एक बहुत ही खूबसूरत झोटी आज की वीडियो में आप देखेंगे। ये इसके बारे में बताओ भाई। ये भाई 5.5 से 6 के बीच में तो प्रेग्नेंट है। अच्छा, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। फर्स्ट टाइमर है भाई। अच्छा, सेकंड टाइम बच्चा देगी अब की बार। अच्छा, 8 किलो दूध आज है इसमें। अच्छा, और इसके साथ एक मिसहैपनिंग क्या हुई थी। हाँ हाँ। ये 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे बच्चा डाल दिया था। अच्छा, दोबारा से कंसीव किया है? हाँ, टक्कर मार गई थी तालाब में। हाँ हाँ। अब उसके बाद दोबारा आई, आने के बाद अब कंफर्म है ये 6 के लगभग प्रेग्नेंट। 8 किलो दूध आज भी दे रही है? आज भी दे रही है, यही तो बड़ी बात है ना भाई। नहीं तो बच्चा डालने के बाद तो दूध चली जाती है दोनों टाइम का। दोनों टाइम का आगे ठोड़ी पे जोर से कटिंग करवाते समय लगी थी भाई। अच्छा, कटिंग करवाते समय लगी थी। देखिए बहुत ही खूबसूरत। इसकी क्या कीमत रखी है भाई? सुरेंद्र कीमत वो टाउन पंडवर वाली एक बात आज याद आती है। हाँ। कि चीज के पैसे लगेंगे भाई। हाँ हाँ। तो देखिए कितना डिसाइड होता है, तो फिर मैंने के बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक। कीमत तो बाद में डिसाइड करोगे भाई। हाँ भाई।
ये देखिए बहुत अगर सही पैसे लगे तो अभी देखेंगे। हाँ हाँ, फिर डिलीवरी के बाद ही बेचेंगे। बहुत ही शानदार नहीं मिलती भी ये चीज। बिल्कुल बहुत ही शानदार। 17 किलो दूध माड़ो दीगाँव में रिकॉर्डेड है। 17 किलो पहले बात, अभी दांतों में कितनी है? उसने 4 बोला, आई थिंक 6 तो आराम से कर चुकी है भाई। 6 दांत होगी। देखिए बहुत ही छोटा सींग, कंपटीशन के लायक इसे हम जोटी कहेंगे। अगर ड्राई हो जाती है आगे, ड्राई के कंपटीशन आने हैं तो कंपटीशन भी लड़ने वाली जोटी है। ये देखिए बहुत ही शानदार। और इससे आगे फिर ये भी 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने के गैबिन साथ में कटड़ा। और 6 दांत है भाई। 6 दांत, 8 किलो दूध भी है आज। कौन से ब्यात की है ये? दूसरी बार भी आएगी भाई। आगे दूसरी बार भी आएगी, अभी पहली बार की है। हाँ भाई। तो ये कितने की बेचनी है भाई? ये देनी है भाई 1.5 की। 1.5 की। 8 किलो दूध आज तैयार है। 8 किलो दूध है। लेकिन सुरेंद्र एक बात और बता दूं, वीडियो में बाकड़ी पैसे लेके जाते हैं, दूध यहाँ देख लेते हैं, लेकिन बाकड़ी भैंस दूसरे खुट्टे पे जाते तोड़ती है भाई। बिल्कुल दूध, इसमें भी 10 माप के लाया था और इसमें भी 10 माप के ली थी भाई। कई बार कई बार ये भी हो जाता है, दूध से बिल्कुल छोड़ हट भी जाती हैं, दूध देने से ही हट जाती हैं। बाकड़ी भैंसों की कोई जिम्मेवारी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कटड़ी है, ये भी बहुत ही सुंदर। दोनों की दोनों जोटियां काफी सुंदर हैं। इससे आगे फिर एक और भैंस, ये वाली भाई, ये 6.5-7 की प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, दूध से वहाँ था 7 किलो, मेरे पास आके नहीं दिया भाई। अच्छा, इसकी कीमत 58,000 रुपए। 58,000। 6-7 किलो दूध पीछे दे रही थी। दे रही थी भाई। अभी अपने यहाँ आके बंद कर दिया देना। बिल्कुल बंद है भाई, मेरे आने के बाद नहीं दिया। मैं बोल दूँ दिया तो। कौन सी बार बच्चा देगी आगे? तीसरी चौथी बार में। ठीक है, क्या कीमत बताइए? 58,000। और कितने महीने बाकी है बच्चा देने के? 2.5 से 3 महीने पेंडिंग है भाई। 2.5-3 महीने। ये वाली भाई, ये भी बाकड़ी फर्स्ट टाइम में है भाई। अच्छा, दूध इसका भी 6 किलो था, अब नहीं है मेरे पास, 1.5-2 किलो दूध दे रही है। अच्छा, नीचे ये कटड़ी है। हाँ हाँ, मुँह से 6 दांत है। हाँ हाँ, इसकी कीमत रखी है भाई 57,000 रुपए। 57,000। 5 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है भाई। ठीक है ठीक है। और गाय दिखानी है? 2 गाय है भाई, दोनों एचएफ। अच्छा, है एचएफ, प्योर ब्रीड दिखाई दे रही है। कोशिश तो थी प्योर की, बाकी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है भाई। कितना कितना दूध दे रही है भाई ये? इसमें है, ये है 5.5-5 महीने की प्रेग्नेंट। अच्छा, और दूध होगा इसमें 9-10 किलो। 9-10 किलो, ठीक है। हाँ, और इस दूसरी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, और 10-11 किलो दूध इसमें भी है भाई। ठीक है, ये खीरी है मुँह से। हाँ हाँ, इसका तो ऑर्डर बता रहा है दूध है, उसके नीचे तो ऑर्डर है नहीं, दूध निकल भी भाई उसने तो बोला की है। हाँ, एक विश्वास के ऊपर ही आई है भाई। अच्छा, आज ही आई है? आज ही आई है भाई। अच्छा अच्छा, बाकी सभी वगैरह बढ़िया। क्या बेचनी है ये? देखेंगे सुरेंद्र, दोनों का मोल का रखा 75,000 रुपए भाई। दोनों का रेट 75, एक का 75-75 तो नहीं होगा ना? ना भाई। अच्छा, दोनों इकट्ठी 75,000 रुपए की है। 75,000 की। इसमें 8 किलो दूध और आगे वाली में 10 से 12 दूध है। 10 से 12 आगे। उसने 8 बोला भाई, मेरे आके नहीं निकाला, आज दिन में आई है। हाँ हाँ, निकालने के बाद कोई पूछा तो कंफर्मेशन दे दूंगा। ठीक है ठीक है। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा कि जो ब्रीड वगैरह तैयार करते हैं उनके लिए सही है। 75,000 में 2 बाखड़ी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई के पास। प्रेग्नेंट है। और भी दिखानी है कोई? बस और तो बस आज ही है। तो ये देखिए आज की वीडियो सजन भाई के यहाँ से लेके आए। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर गाय बाखड़ी गाय भी हैं, बाखड़ी भैंसे भी हैं, ताजी भी आई हुई भैंसे भी हैं, शो क्वालिटी की जोटियाँ भी हैं, तो जो भी पशुधन आप लेना चाहते हैं आप भाई के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।